BJP leaders in Karnataka are echoing the call for a ban on halal certification following the footsteps of the Uttar Pradesh. BJP MLA Basavanagowda Patil Yatnal has taken the initiative by writing a letter to Piyush Goyal urging the prohibition of halal certification agencies across India. Adding to the chorus, former BJP MLA and senior leader Siti Ravi has also voiced his support for the banning halal certification in Karnataka. Uttar Pradesh tali halal utpannagala marata adakke certificate kododu ityadi sangathigalannu Uttar Pradesh sarkara nisheda madide. ನಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮತೀಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಮತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವಕ್ಕಂತೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಎತ್ತಿಡಿದು ಅವರು ಹಲಾಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಅಕ್ಷಯಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಜೋ ತಹರೀಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಛೇಡಿ ಹೇ ಇಸ್ ತಹರೀಕ್ ಕಾ ತಾಲ್ಲುಕ್ ಜಮೀಯತ್ ಉಲ್ಮಾ ಸೇ ಹೈ ಹಿ ನೀ ಯೇ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಕೆ ಹಲಾಲ್ ಯೇ ಸಮಜತೆ ಹೈ ಕೆ ಹಲಾಲ್ ರಿಜಾ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಸಿರ್ಫ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹಿ ಖಾಹಿಶ್ ರಖತೆ ಹೈ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆ ಲೋಗ್ ಜೋ ಹೈ ವೋ ಹಲಾಲ್ जो है ग़िज़ाओं के इस्तेमाल पाकीज़ा ग़िज़ाओं के इस्तेमाल का अहतमाम करते हैं वो जो है डिमांड करते हैं उनके डिमांड पर जो है जमीयत उलमा चार सतर लिख कर के देती है तआवुन करती है उनके कारोबार में उनके तिजारत में ताकि उनकी तिजारत चले उनके कारोबार चले. अगर ये मान लीजिए कि अगर कोई कस्टमर आए और वो अपने इत्मीनान के लिए कुछ पूछे किसी होटल में या किसी दुकान में और दुकान मालिक जो है वो उनको मुतमईन न कर सके वो कस्टमर आगे बढ़ जाएगा. इसमें नुकसान किसका है? कंपनी का है, दुकान वाले का नुकसान है. जमीयत उलमा का इसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है. और जमीयत उलमा को शौक भी नहीं है और जमीयत उलमा का ये काम भी नहीं है कि वो सर्टिफिकेट तकसीम करें. इसमें जो है ये नुकसान करेंगे. हमें तो भाई कोई शौक नहीं है और हमने ये कोई लाजिम भी नहीं कर रखा है. इनको चाहिए कि इनके यहाँ से मुल्क से जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और बीफ के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाए ना, हुकूमत को मजबूर करें. बीफ यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, हुकूमत पूरी उसके मुआविन है, तआवुन कर रही है. अब वो बीफ अगर मुल्क से बाहर जा रहा है, अगर किसी मुल्क वाले ने इनसे कहा कि भाई अगर आपका बीफ लेने के लिए हमें ये हलाल तरीके से कटा है इसका सबूत चाहिए, तो सबूत फराहम करें. ये तो काम हुकूमत का है, इसमें हमारा क्या है? इसे जो है हिंदू मुस्लिम बनाना और परसेंटेज डालकर जो है 15% जो है 85% के ऊपर हावी होना, ये दिस इज नॉट ए सेंसिबल क्वेश्चंस. ये सब जो है लोगों के अंदर इंतशार फैलाना, शर करना, ये मकसद है. अगर आप संजीदगी से सोचें तो आप जो है ब्राह्मिन्स, जो ओल्ड ब्राह्मिन्स हैं, जो ओल्ड इसके अंदर जो अकीदा रखते हैं, वो भी जो है गोश्त खाते हैं. लेकिन अब जो नया ट्रेडिशन चला है इसके अंदर जो है नहीं खाते, ठीक है, कोई बात नहीं है. कोई आपको फोर्सेबल नहीं कर रहा है कि आप जो है आकर हलाल ही खाइए. किसने कहा है आपको कि आप हलाल पर तरजीह दीजिए? नहीं, जो आदमी जिस तरीके से जीना चाहता है उसे जीने दीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में मत जाइए. क्यों इसको जो है फैला कर जो है इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है? ये किसी एक मजहब का मामला नहीं है, ये जितने भी इंसानियत का जो है इसके लिए बहुत फायदेमंद चीज है हलाल. हलाल के माने जो है परमिटेड, परमिटेड
नॉन प्रोहिबिशन और परमिटेड में फर्क है। आप जो है जितने भी कॉस्मेटिक है जिसके अंदर जो है बुरे जानवर की चर्बी इस्तेमाल की जाती है उसको जो है हराम किया गया है। सर्टिफिकेट इसलिए ली जा रही है जहां गल्फ कंट्रीज के अंदर आपका माल अप्रूव होना है तो उन्हें हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। हलाल सर्टिफिकेट इशू करने वाले लोग आपके पीछे नहीं फिर रहे, आप उनके पीछे फिर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट को आप हलाल सर्टिफिकेट दीजिए ताकि हम इसको दूसरे कंट्री में भेज सकें। पतंजलि जो है, पतंजलि वो क्या है, वो क्या है, वो भी हिंदुओं का है। बहुत सारे जो है गैर कौम जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके इंडस्ट्रीज हैं, मीट इंडस्ट्री है, ये लोग भी जो है हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं। जो बायर है उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है वो हलाल सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये नहीं कि हम जो है लेके पीछे मुसलमान जो है आप लो फोर्सेबल नहीं कर सकते।